नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने शनिवार को श्री राम मंदिर एवं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आसमगढ़ में पकोला कोल्ड ड्रिंक कोफ्री में ग्राहकों को वितरित किया। लोगों में काफी उत्साह दिखा। इसके पीछे कंपनी का मुख्य उद्देश्य लोगों को भारतीय मूल की स्वदेशी कोल्ड ड्रिंक पिलाने की है। इसी मंशा के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कंपनी के मैनेजर ब्रिजेश सिंह ने लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी और कहा कि आने वाले समय में हम लोग कंपनी की तरफ से कुछ भी ग्राहकों को भरपूर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर विजय सिंह ने बताया कि हमारा कोल्ड ड्रिंक अन्य कंपनियों के मुकाबले काफ़ी सस्ता है और अच्छा है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले मौजूदा समय में हमारी कंपनी का प्रोडक्ट हर घर में पहुँच बना लेगा। इस अवसर पर कंपनी के मैनेजर विजय सिंह, शहर के डिस्ट्रीब्यूटर अरुण कुमार यादव, सोनू यादव, रामनयन मौर्य, राकेश मौर्य, देवीलाल यादव, सूरज एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहे। मैं एक रिलायंस रिटेल में कर्मचारी हूं, जो कि पिछले एक साल से मैं इसमें कार्यरत हूं। आज आपके द्वारा जगह जगह जाके रिलायंस के प्रोडक्ट का वितरण किया गया है, कितने स्थानों पर वितरण किया और इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, पहली बात तो हम लोगों का जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि कैंपा कोला एक इंडियन ब्रांड है, जो कि रिलायंस रिटेल के द्वारा के माध्यम से हर एक जनता तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरा उद्देश्य यह है कि श्री राम मंदिर बनने और उनके उद्घाटन के उपलक्ष्य में ये पूरे प्रदेश स्तर पे एक एक्टिविटी चलाई जा रही है, जिसमें कि मुख्य मुख्य शहर को चुन के हम लोग सारी जगह पे एक्टिविटी कर रहे हैं। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि कैंपा, जो कि एक इंडियन ब्रांड है, वो हर एक हाथ तक पहुँचे। तो इसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य यही है कि स्वदेशी चीज़ है, वो स्वदेश में अपनाएं लोग, और इसके साथ साथ एक निर्देश जाए कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सके। तो इसकी क्या प्राइसेस है और देखिए, अभी तक अगर हम देखा जाए तो हमारे पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ दो ब्रांड जो है काफ़ी ज़्यादा आगे थे, एक पेप्सी और एक कोक, जिसमें कि सबसे ज़्यादा भागीदारी कोक की मानी जा रही थी। आज के डेट में जब से रिलायंस रिटेल ने कैंपा कोला को लॉन्च किया है पिछले एक साल के अंदर में, तब से कोका कोला और पेप्सी की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि इसके रेट अन्य के अपेक्षा काफ़ी सस्ते हैं। जो ब्रांड कोका कोला और पेप्सी वाले 20 या 25 रुपए में देते हैं दुकान एक ग्राहक को पीने के लिए, वो चीज़ हम लोग 10 रुपए में देते हैं। क्या प्राइस है, कितने ml का? 10 रुपये का जो 10 रुपये MRP का जो है वो हमारे ग्राहक को 200 ml मिलता है, 20 रुपये वाले में 500 ml मिलता है, 30 रुपये वाले में भी 500 ml मिलता है, और जो जूस आता है वो भी हमारा 200 ml का आता है। सबसे जो भी युवा वर्ग को देखते हुए जो भी हम लोगों का जो लॉन्च किया गया है, हमारा कैन हमारा अभी तक का सबसे सस्ता प्रोडक्ट में माना जा रहा है, सबसे अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि वो युवा वर्ग को देख के लॉन्च किया गया है। उसकी MRP मात्र से 20 रुपये, जबकि इंडस्ट्री में दूसरे बेवरेजेज कोक और पेप्सी को अगर हम लोग उसकी तुलना करें तो उनका 30 और 35 रुपये का उतना बड़ा कैन आता है। ये कैन कितने ml का? 200 ml का। तो युवाओं में काफ़ी उत्साह है और हमारा काफ़ी अच्छा। आप लोगों ने प्रोडक्ट को जगह जगह युवाओं को वितरित किया, तो कैसा उत्साह रहा? उत्साह ऐसा रहा कि लोगों ने एक बार पूछा कि भैया ये इतना क्या चीज़ है, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग आप लोगों को स्पोर्ट ड्रिंक दे रहे हैं। लोगों ने पूछा कि ये किस चीज़ के लिए है, हम लोगों ने बताया कि हम लोग जो भी राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम आप लोगों को फ्री में ये हम लोगों को पिला रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।